नमस्कार, फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और एक बहुत दुखद घटना है, जैसा कि आप जानते हैं सुबह बल्लभगढ़ में अनाज मंडी के पीछे जो खाली मैदान है वहाँ सुबह एक लड़के का शव मिला जिसका नाम शिवम बताया जा रहा है और किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। और हमारे साथ उनके परिवार से हैं, जानेंगे कि क्या हुआ था पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री। क्या हुआ था भैया? वो सुबह किसी और, पहले कहीं और कंपनी में काम करता था, नीरोटेक में। नीरोटेक? हाँ। और वहाँ से 4-5 दिन से उसने छोड़ रखा था, काम पर नहीं जा रहा था, दूसरे जगह। कल सुबह गया इंटरव्यू देने, 12 बजे मेरे बात हुई उससे। उसके बाद वो बोला कि मम्मी हो गया है, शाम को ड्यूटी जाना है मुझे। फिर उसके स्विच ऑफ हो गया, मुझे लगा कि का पता बंद हो गया होगा मोबाइल सुबह के चार्ज। फिर उसने 2-2.5 बजे फ़ोन किया मेरे पास। मैंने कहा कि भैया आया तू नहीं आता मम्मी, वो ना हो फोन फाइनेंस कराने जाना है। उसी कंपनी के लड़का था जहाँ पहले करता था, अभी उसका फाइनेंस करा के तू रोटी बना दे, मैं शाम को ड्यूटी जाऊँगा। मैं रोटी बना के इंतजार करी जब आएगा अब आएगा। बहन से भी उसका बात हुई, बोला कि ना रुचि जा घर जाके मैं बात करता हूँ तू, और कोई ऐसी बात नहीं, सही था उस टाइम, पता ना क्या बात है, जेब में मोबाइल भी था। तो अब मोबाइल नहीं मिला? मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, पता ना मोबाइल ले लिया ना। 8 बजे से उसका स्विच ऑफ जा रहा था, पूरे 9 सुबह तक लगाई। गया किससे था, कोई मोटरसाइकिल से? किसी से नहीं, वो गया था इंटरव्यू देने, होने से मतलब आया नहीं। फिर मैंने फ़ोन करी तो उसने बोला कि मम्मी फाइनेंस कराने मोबाइल जा रहा हूँ दोस्त का, जो उसमें पहले वाले कंपनी में काम करता है। मैंने कहा बेटा चल आना जल्दी टाइम से, बोला कि मम्मी 7 बजे ले आ जाऊँगा, 7:30 ले, 7:15 ले, और ड्यूटी जाना है 8 बजे। 8 बज गए, फ़ोन करी तो फोन ना लगा। क्या नाम था? क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम मुझे पता। लड़के का नाम शिवम। शिवम क्या उम्र थी? अभी तो 26, 4 तारीख के उसका बर्थडे था, 25-26 साल का था। शादीशुदा था? नहीं नहीं बाबू। किसी पे शक है कोई, आपको लगता हो कि जिसके साथ किया हो, बताया हो कि मैं इसके साथ हूँ? बताया तो नहीं, वो इस कंपनी के लड़का के है, वो सी एलन, वो जो इसने फोन मेरे फोन पर किया ना, वो मेरे को पूछे तो उसमें एक नंबर मेरे मोबाइल में था, उस पर मैंने रात 10:30 बजे के करीब में करी थी। मैंने अनजान नंबर लगा, मैंने कहा हो सके जब उसका मोबाइल बंद है तो फ़ोन किया होगा, मैं इधर उधर होंगी नहीं उठाई, तो उस पर नंबर लगाई तो वो बोला कि आपका कॉल आ रहा, आप कौन? मैंने कहा कि भैया ऐसे ऐसी बात है, मैं 58 से बोल रहा हूँ। मैंने कहा शिवम को जानते हो आप? कौन बोल रहे? तो मैं बल्लभगढ़ से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या नाम है? तो उसने बैंक नाम बताया। लड़के भी अब जैसे कंपनी में एक साथ काम करते हैं तो नाम तो रखता ही है, ये नाम मुझे पता था। फिर मैंने उसको, वो बोला कि ठीक है आंटी। मैंने कहा शिवम देखो ना आया नहीं अभी तक, ना फ़ोन उठा रहा, तुझे पता होगा कहीं तो तनी बेटा बता दे। उसने नहीं बताया, दोबारा मैंने फ़ोन लगाई तो उसने बिजी कर दिया फ़ोन। बिजी करने के बाद पूरे रात मैंने फ़ोन लगाती रही, नहीं उठा, स्विच ऑफ। मैंने कहा सुबह कैसे पता लगा? सुबह पता लगा 7:30 बजे बेटी के पास फ़ोन करी तो बेटी ने बोले कि मम्मी आ जाएगा। फिर वहीं बगल में भाभी रहती है, उनके पास जा गई, तब तक ले पहुँची नहीं उनके घर तले, फ़ोन आया मेरे पुलिस वाला CBI वालों का, बोला कि आप कौन, शिवम कौन है तुम्हारा? मैंने मुझे लगा कहीं लड़ाई झगड़ा तो ना हो गई है किसी से, इसलिए पूछ रहा है।
मैंने कहा उसके मम्मी बोल रही हूँ, क्या बात है भाई साहब, बात कहाँ हो? मैंने कहा यहाँ आई हूँ। बोला कि जल्दी आ पाओ। फिर किसी ऐसे बाइक से जा रहा था, उसे मैंने बोले कि बेटे तनी छोड़ दो वहाँ तक, वहाँ DPS स्कूल है, वहीं खड़ी थी। तब ले ऐसे लोग गए, मेरे को बैठा के ले आए। सब जो जो पूछना था, कौन है क्या है, जो किसी पर शक। मैंने कहा ऐसे ऐसे सर बात है, जो जैसे जैसे मेरे को उसने बताया। बोले कि कहाँ काम करता था? मैंने कहा वहाँ तो काम करता, सैलरी सुली मिल गई थी, 7 तारीख के उसके मिल जाती है। उसने वहाँ से मतलब जा नहीं रहा था, 4-5-6 दिन से ड्यूटी नहीं जा रहा था उस वाले कंपनी। उसी में के सारे लड़के हैं। अब किसका, वो नया लड़का था, उसको लड़ाई झगड़ा तो नहीं है किसी के साथ? नहीं है। बताया हो कि कहीं वहाँ से छोड़ा है तो किसी से कुछ बात नहीं? कुछ नहीं, वो लड़ाई झगड़ा ऐसे करता, बन ले लिए हैं वो ओरिजन है। उसने वहाँ से भागना चाहा है, लेकिन बता रहे हैं जो बाइक वाला पकड़ाया है, वो भट्टेक कह के उसको जब मारे हैं ना, ऐसे पत्थर जिस पे लगा है ऐसे। मेरे को फोटो दिखाए थे उसी में, मैंने पूछा कि है ना, मेरे से उस टाइम नहीं बताए, बोला और सारे को उठा रखे हैं। शुभम का मोबाइल मिल गया? नहीं। तो पुलिस वालों को कैसे पता लगा नंबर? पता नहीं, अब उनको पता है। उन्होंने बता रहे थे सुबह किसी ने बताया है, तो फिर पुलिस वालों ने फोन पे अटैक किए हैं, अटैक करके तो जहाँ जहाँ नंबर मिला है उस नंबर पे फोन कर तब बताया गया है वो। नहीं तो कोई पुलिस वालों को तो तब पता लगता है, उसका फोन मिलता तो उसमें नंबर होते तो पता लगता पुलिस वालों को, या उसकी जेब में कोई ID मिलती है? आधार कार्ड ये सब था। उस कार्ड के माध्यम से बता रहे थे, पता नहीं जयपुर में कहाँ लोग कॉल किए, वहाँ से सब नंबर ढूंढने के बाद तभी कॉल करने शुरू किए। कार्ड में जो उसमें नंबर भी दो नंबर जिस पे एक बात होती है, एक ID के लिए आधार कार्ड पे, जो हम लोगों का आधार कार्ड पर था वो नंबर था, का पता वो आधार कार्ड से निकला होगा। बात करने के बाद नंबर ढूंढे हैं तो हम लोग फोन करना शुरू किए हैं। तो पुलिस वालों ने FIR तो दर्ज कर लिया? हाँ जी, पता नहीं किया, नहीं किया अभी है कि लड़कों को उठाया भी है। हो गया दर्ज तो हो गया, 5 को पकड़ा है, 5 लड़के उठाए, 5 लड़कों को पकड़ा है। कंपनी तो पुलिस वाला भी हमारे सामने अंदर ही है, ये भी हमारे साथ आए गाड़ी में, ये अभी कार्रवाई चल रही है, वो भी छानबीन कर रहे हैं। अभी तो पुलिस वाला भी वहाँ रुक के अभी अभी आया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था किसी से? ये कुछ नहीं था ये। कहाँ रहते, कहाँ था शिवम? अब ये यहाँ रहते हैं हम लोग, आए हैं। वो अब वो लड़के वही बताएंगे कौन रंजिश थी, किसी ने रंजिश बाहर से करवाया है, क्या करवाया, हम तो नहीं हम। लड़के कुछ ऐसा भी नहीं बता के गया कि किसी के साथ जा रहा हूँ या क्या है? तो बोल के मम्मी बात ही हुई है, 2-3 दिन में बात हुई है, मतलब 8 बजे का बाद से मेरे पास बात नहीं हुई हुई है। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं इधर नहीं रहती हूँ भैया, मैं तो उधर रहती हूँ 58 सेक्टर में, झाड़ से। हाँ, रेंट पर रहती हूँ। अच्छा, और ये लो उसके ताऊ चाचा सब इधर रहते हैं, वो संजय कॉलोनी में अपना। तो आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? काम कर सकते हैं, हमारा तो चला ही गया, अब जी के मैं किसके। रोइए मत आंटी, कोई बात नहीं, आप रोइए मत, नहीं है ये वो बेटी जो था माची, वो लड़का था, आदमी है नहीं, 4-5 साल पहले गुजर चुका, इकलौता लड़का था। हाँ, वही था, एक बेटी है, बेटी के पिछले साल शादी करी थी, तब से घर परिवार कोई नहीं बोलता था मेरे से बात नहीं का। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। फरीदाबाद आप देख सकते हैं एक विलखती माँ को, जिसने अपना लाल खोया हो, और आपको बता दें कि उसकी कोई किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और दिन में गया था, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। 8 बजे तक इनकी बात हुई है उससे, उसके बाद उसकी कोई बात नहीं हुई है अपनी माँ से, और सुबह जब इन्हें फ़ोन आता है पुलिस का तो इन्हें पता लगता है कि इनका लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।